बचपन से जिसके दिल में कला के प्रति प्रेम व लगाव हो तो ऊंचाइयां उसके कदम चूम ही लेती हैं। हनुमान नगर स्थित आर्ट गैलरी में चितेरे शंभू सिंह चौबदार ने बारीकी से कोटा बूंदी चित्र शैली की सैकड़ों तस्वीरें बनाई हैं। कई सम्मान प्राप्त कर चुके शंभू सिंह की इस कला में गहन रुचि है। कोटा बूंदी के अलावा मुगल नाथद्वारा शैली के चित्र भी इन्होंने बनाए हैं। ये निःशुल्क कला प्रेमी विद्यार्थियों को चित्रकारी सिखाते हैं। इन चित्रों को बनाने के लिए स्टोन कलर प्रयोग में लिए जाते हैं। 100 वर्षों से भी ज्यादा समय तक इन चित्रों के रंग फीके नहीं पड़ते। इनकी आर्ट गैलरी से कई विदेशी पर्यटक पेंटिंग्स लेकर गए हैं। चित्रकार शंभू सिंह ने बताया कि इन चित्रों को बनाने के लिए मृदा सिंगी, गोगुली, हराभाटा, हंसराज हिंगलू, लाजव्रत, खड़िया आदि रंगों का प्रयोग बखूबी किया जाता है। चित्रों को बनाने से पहले काल्पनिक चित्रण के बाद स्क्रेच किया जाता है। वर्ष 2004 में शुरू की गई आर्ट गैलरी में कई पर्यटक चित्रों को खरीदने आते हैं। इन चित्रों में बारीक कार्य के लिए सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हिलकारी कहते हैं। चित्रों में पानी के रंग बनाने के लिए चांदी का रंग खथीरी कठिन ढंग से तैयार होता है। ये नाथद्वारा से मंगाया जाता है। नाथद्वारा के अलावा ये खथीरी कहीं नहीं मिलता। चित्रकार शंभू सिंह का कहना है कि भारतीय संस्कृति व यहाँ की शैली को जीवंत रखने के लिए इस कला को अपनाया गया है। कई विद्यार्थी इस कला को सीखकर आजीविका कमा सकती हैं। इनको वर्ष 2000 में जिला उद्योग केंद्र व कला उत्सव में कृति संस्थान, 2001 में कला दीर्घा में कृति संग्रहित इंटेक द्वारा, 2002 में महाराव ब्रजराज सिंह द्वारा संस्कृति मेले में सम्मान दिया गया। आर्टिस्ट है सत्यनारायण जी गौतम, उनकी पेंटिंगों को देख के मेरे को सबसे पहले जिज्ञासा हुई। तो मैं जा रहा था तो उनकी पेंटिंग देखी, तो मेरे को ये इसमें सीखने का काफ़ी इसको जिज्ञासा हुई। और उसके बाद यहाँ के सुप्रसिद्ध कोटा से लेके कलाकार थे कैलाश जी सोनी, उनकी पेंटिंग देख के मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को इस फील्ड में उतरना चाहिए। और उनसे 2 वर्ष तक मैंने ये काम सीखा। अभी कौन कौन से शैली की पेंटिंग बनाते हो आप? ज़्यादा करके तो कोटा बूंदी शैली हम बनाते हैं, और उसके बाद मुगल शैली है और कांगड़ा शैली है। जयपुर कलम की भी पेंटिंग हम बनाते हैं, नाथद्वारा कलम बनाते हैं, मेन रूप से राजस्थानी शैली ज़्यादा बनाते हैं। तो अभी तक आपने इनकी प्रदर्शनी कहाँ कहाँ पर लगाई? ये राजस्थान लेवल पे, जिला लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे भी मेरी पेंटिंग्स प्रदर्शित गई है, और कालिदास अकादमी में भी अभी पिछले वर्ष मेरी पेंटिंग सिलेक्टेड हुई है, वहाँ पर प्रदर्शन। सबसे ज़्यादा कौन से रंगों का यूज़ करते हैं? ये स्टोन कलर से पेंटिंग बनती है। टिपिकल अगर कोटा शैली की पेंटिंग या पुराने हिसाब से पेंटिंग बनानी हो तो स्टोन कलर हमें यूज में लेने पड़ते हैं, और उसी पद्धति को लेते हुए पेवड़ी के कलरों को भी हम यूज में लेते हैं।